एक कवि की शायरी याद आती है। एक माँ ने दर्द भरे खत में लिखा, सड़कें पक्की हैं, अब तो घर आया कर। जी हाँ, अपनी मजबूरियों को लेकर या रोज़मर्रा की ज़रूरतों को लेकर हम ज़रूर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सभी को मालूम है कि खुशहाली जीवन जीने के लिए गांव ही याद आता है, और इसलिए हम हर गांव में जा रहे हैं और आपको हर गांव की कहानी बतला रहे हैं। और इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं करनाल ज़िले के रंदोली गाँव में। इस गाँव की कहानी आपको बताते हैं कि आखिर इस गाँव की खासियतें हैं क्या। करनाल जिले के इंद्री उपमंडल में स्थित रंदोली गांव अपने आप में खास है। जब भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था तो अपने देश में आने को बेताब पंजाबी समुदाय के लोगों ने इस गांव का भी रुख किया था, और उन लोगों के साथ साथ पहले से मौजूद रंदोली गांव वासियों ने मिलजुल कर इस गांव की नींव को और भी मजबूत किया। कहा जाता है कि इस गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों की आबादी सबसे ज्यादा थी, लेकिन आजादी के बाद इस गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों की तादाद जरूर कम हुई हो, लेकिन आज भी मुस्लिम समुदाय के साथ साथ हर वर्ग के लोग हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। जैसे ही हम इस गांव की ओर चले, सबसे पहली हमारी नजर गई ग्राम पंचायत घर की ओर, जहां एक ही जगह ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए अटल सेवा केंद्र था। साथ ही बच्चों से लेकर युवाओं के साथ साथ हर ग्रामीण के लिए स्वास्थ्य जागरूकता के लिए ओपन जिम की भी व्यवस्था की गई थी। तो रंदोली गांव के ग्राम पंचायत घर में इस समय हम मौजूद हैं और इसकी खासियतें आपको बताते हैं, क्योंकि रंदोली ग्राम पंचायत घर में ओपन जिम भी है, जलघर भी साथ में है, और इसके अलावा अगर इससे सटा हुआ बात करें तो यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र भी है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो रामलीला यहाँ पर एक मंच बनाया हुआ है, इसके अलावा अटल सेवा केंद्र है और ओपन जिम है, इनके बारे में इनका क्या कुछ कहना है। आपसे जानना चाहेंगे इस गांव में जो ग्राम पंचायत घर है, इसकी खासियतें अपने आप में कुछ अलग है, और क्या क्या लगता है कि विकास यहाँ पर होना चाहिए। विकास के नाम पर यहाँ पर अगर हम कॉपी पे लिखने लगे तो हमारे पास शायद पेज ही पूरा हो जाए, लेकिन विकास इतने करवा दिए मौजूदा सरपंच ने जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। बढ़िया काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे जो रामलीला का मंच बना हुआ है तो अपनी पुरानी जो रीति रिवाज हैं, जो हमारी रामलीला चली आ रही है, उसको जिंदा रखने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है यहाँ पे, और वो कमेटी हर साल रामलीला कराती है। पिछले साल हम किसी कारण से नहीं करा पाए गए, अब की बार हमारी पूरी कोशिश है कि हम ये भी कराएंगे। पंचायत काम कर रही है, सरकार का सहयोग मिल भी रहा है, लेकिन और ज़्यादा सहयोग मिले ये जो ग्रामीण है या पंचायत है वो गुजारिश करती है, मांग करती है सरकार से। अब देखना होगा कि सरकार कितनी मदद कर पाती है इस पंचायत की। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खासियतें इस गाँव की बताएंगे आपको। शुरुआती तौर पर इस ग्राम पंचायत घर को देखने के बाद ग्रामीणों ने यहाँ दिखने वाली सुविधाओं का फायदा मिलने की बात कबूली, साथ ही सरपंच और पंचायत की तारीफें भी की। इसके बाद भरी दोपहरी में पेड़ की छांव का आनंद ले रहे कुछ बुजुर्गों से इस गांव के बारे में हमने जानना चाहा, तो कुछ ने गांव के इतिहास के बारे में बताया, तो किसी ने गांव की पंचायत के बारे में, और कामकाज के अलावा गाँव में हुए विकास कार्यों पर भी अपनी बातें रखी। तो रंदोली गांव के सफर पर हम चल रहे हैं और कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रंदोली गांव के बारे में वो क्या जानते हैं और किस तरह से इसका इतिहास है। आपसे जानना चाहेंगे कि रंदोली गांव की जो कहानी बताते हैं, जो आपसे पहले भी बुजुर्ग थे या आपने देखा, क्या कुछ जो है इस बारे में आप जानते हैं। ऐसा है जी, हमारा गाँव बहुत पुराना सदियों से बसे आए हैं, और सन 1947 से पहले हमारे गाँव में आधी आबादी मुसलमानों की थी और आधी थी हिंदुओं की। उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद होया तो 1947 में हमारा गांव आबाद हो गया था, और यहाँ हिंदू आए गए थे। पाकिस्तान से जो आए ये लोग खत्री बिरादरी के, ये हमारे गांव में आए गए थे। उस जो अलाट जमीन ने हुई थी इनके नो, जो यहाँ के थे उनके नो पाकिस्तान हो गई थी, और उनके नो यहाँ अलाट हो गई थी। जानना चाहेंगे क्या वाकई में अब लगता है कि गांव में विकास पूरे तरीके से हो रहा है, हर ओर हो रहा है, और क्या कोई शिकायत भी है सरकार से भी? ऐसा जी, मैं सन 1978 में यहां आया, उससे पहले मैं बाहर रहता था किसी गांव में, मैं पहले सर्विस भी करता था। 78 में जब आया तो यहां पर इतने आमदन का या आय का साधन नहीं था, जिस कारण से कि इतने विकास हो पाते। जैसे जैसे आय के साधन बढ़ते गए, जैसे जैसे पंचायतें बदलती गई, थोड़ा ज़्यादा विकास चलता गया। उसके बाद इस प्लान में जो विकास हुआ है वो किसी प्लान में नहीं। वाकई में जो पंचायत के लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं,
जो पंच हैं और सरपंच हैं मिलकर जो है गांव का विकास कर रहे हैं। जो बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने इस पर मुहर भी लगाई है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातें बताएंगे, कुछ और कहानी इस गांव की बताएंगे कि आखिर विकास के राह पर किस तरह से आगे बढ़ रहा है रंदौली गाँव। रंदौली गाँव के बुजुर्गो से बात कर ये महसूस हुआ कि आज विकास की दरकार युवाओं के अलावा बुजुर्गों को भी है। और एक बुजुर्ग की शिकायत का सवाल लिए हम आगे बढ़े और हमारी नजर पड़ी गांव की इस डिस्पेंसरी पर, जो कि पंचायती जमीन पर पंचायत और सरकार के आयुष विभाग की मदद से ग्रामीणों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा रही है। इस नई नवेली डिस्पेंसरी की बात इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले ये जर्जर हालत में थी, लेकिन अब इस डिस्पेंसरी को एक नया रूप दे दिया गया है जो कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके, जैसा कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं तो जो भी इलाज से रिलेटेड छोटी मोटी या फिर समस्याएं रहती हैं तो डिस्पेंसरी का बहुत उनको फ़ायदा मिलता है। उनको लोअर लेवल पे अच्छी बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिल जाती हैं, क्योंकि बाहर जाने के लिए दवाइयाँ वगैरह का कॉस्ट वगैरह ये सब कुछ भारी पड़ता है मरीजों पर, तो ये संसाधन गाँव में ही मौजूद हैं, तो इसलिए गाँव के लोग इसका भरपूर और अच्छे से फायदा उठा पाते हैं। रंदौली गांव में प्राइमरी स्कूल के अलावा 8वीं कक्षा तक बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्कूल के बारे में जब जानकारी हमने हासिल करनी चाहिए, मालूम हुआ कि यहां बच्चे अध्यापकों की कमी से जूझ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके इसी रंदौली गांव से ही पढ़ने वाले कई छात्रों ने पढ़ लिख कर अपने गाँव का नाम रोशन किया है। इनमें रिटायर्ड IAS उमेश गोयल का नाम भी आता है जो की IRS में सेवाएं दे चुके हैं। महेंद्र अरोड़ा सिंचाई विभाग में SDO के पद पर रह चुके हैं। सतीश मित्तल म्यूनिसिपल इंजीनियर रह चुके हैं। इसके अलावा गांव के जय कुमार इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत थे। खैर, आगे बढ़ते हुए हमने इस गांव में एक और खास चीज देखी और वो थी सोलर लाइट। जी हाँ, गांव की हर गली सोलर लाइट की रोशनी से जगमग होती है। इसके अलावा गाँव में छोटे बच्चों के लिए 3 आंगनबाड़ी केंद्र भी है जो की अपनी सेवाएं गाँव में दे रहे हैं। रंदौली गांव की गलियों में घूमते घूमते हम इस गांव की कुछ महिलाओं से मिले। उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस गांव में कोई परेशानी उन्हें परेशान करती है या नहीं। तो गांव की कुछ महिलाएं हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं गांव के बारे में। गांव में कितना कुछ विकास अभी तक हुआ है, आपने पहले देखी और आज की स्थिति देखी, कितना बदलाव है? बहुत बदलाव हो रहा जी, पहले तो बहुत ही हो रहा बदलाव। पहले तो वैसे भी टूटी फूटी गलियां थी, आरी भी तो बढ़िया गलियां बना दी सरपंच साहब ने। पंचायत अच्छा काम कर रही है यहाँ पर? जी कर रही है। हाँ जी, अच्छा काम कर रही है। यानी आप भी संतुष्ट हैं कहीं ना कहीं काम को लेकर गांव के? नहीं जी, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। ठीक लग रहा है। तो बिल्कुल, गांव की महिलाएं भी कहती हैं कि विकास तो रंदौली गांव में हुआ है और इन्हें कोई शिकायत भी नहीं है। सोलर लाइट है, पक्की गलियां हैं और यहां पर पानी की व्यवस्था भी अच्छी है, किसी भी तरह की ग्रामीणों को यहां पर दिक्कतें नहीं आई है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खासियतें रंदौली गांव की आपको दिखाएंगे। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि इस गांव की और क्या क्या खासियतें हैं। गांव में 3500 से 4000 की जनसंख्या है। गांव में हर समुदाय के लोगों का बसेरा है। रामलीला के मंचन के लिए ये गांव मशहूर है। इस गांव में मंदिर गुरुद्वारे के अलावा मस्जिद भी है। गांव में 100 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिद है। गांव में हुजरे वाला पीर बाबा है। मान्यता है कि यहां आकर लोगों का दुख दर्द दूर हो जाता है। रंदौली गांव में आज भी पुरानी हवेली का अस्तित्व देखने को मिला है। रंदौली गांव के सफर में आगे बढ़ते हुए एक बुजुर्ग की शिकायत की तस्दीक करने शमशान घाट हमें पहुंचना पड़ा और हमने देखा कि वाकई में गांव के उस बुजुर्ग की शिकायत जायज थी। और अंत में जब इस गांव के विकास और शिकायतों के बारे में जवाब तलब के लिए रंदौली गांव के सरपंच चरणजीत सिंह बब्बू के पास पहुंचे, तो हमारा सबसे पहला सवाल एक शिकायत पर जवाब तलब करने का ही था। तो रंदौली गांव का सफर तय करके अब हम पहुंच चुके हैं सरपंच के घर और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोगों की शिकायतें हैं या उनकी तारीफें हो रही हैं उसके पीछे क्या राज है और जो उनकी उम्मीदें हैं गाँव वासियों की, उस पर अब किस तरह से काम सरपंच करने वाले हैं। तो चरणजीत सिंह बब्बू हमारे साथ मौजूद है जो सरपंच है रंदौली गाँव के, उनसे जानते हैं। बब्बू जी, आपका स्वागत है खबर अभी तक पर। सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे कि एक बुजुर्ग हमारे साथ मिले, जब हम गांव में गलियों में घूम रहे थे तो उनकी एक शिकायत थी या मांग थी कि जो शमशान घाट की बाउंड्री है वो अभी तक नहीं बन पाई है, पंचायत उसके लिए क्या कुछ काम कर रही है? ठीक है जी, वो उनकी बात बिल्कुल जायज़ थी। 3-4 बार मंत्री जी से मिले, मंत्री जी ने पक्का आश्वासन दिया था
और उन्होंने अब हमारे को लगभग 3.5 लाख की ग्रांट बाउंड्री के दे दिया और एक हैंडपम्प भी लगाया जाएगा। तो उनकी जो शिकायत है उसको 1-2 महीने के अंदर ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी पहले से आपको इस शिकायत के बारे में मालूम था और उस पर आपने काम करना शुरू कर दिया था? मुझे पता था, पहले से ही पता था कि ये जो शमशान घाट की बाउंड्री है ये बहुत ज़रूरी है। शेड वैसे मैंने पहले लगवा दिए थे, पंचायत की आमदनी हमारे पास कम है इसीलिए मंत्री जी की हेल्प मिली और उन्होंने हमें ग्रांट दे दिया। इसके अलावा बब्बू जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने पंचायत का काम संभाला, सरपंच की कुर्सी पर आप बैठे, क्या क्या चुनौतियाँ थी उस समय आपके सामने और अभी तक आपने क्या क्या काम किए हैं वो भी अगर आप बता दें। ठीक है जी, जब लगभग 2 से 2.5 साल हो गए सरपंच बने को, तो गाँव की लगभग 40 से 45 गलियाँ जो मैंने बना दी हैं जी, गाँव में गलियाँ मौके पर मौजूद हैं जो टूटी पड़ी थी, और गांव का जो स्कूल था लगभग 40 साल से उस पर आज तक रंग नहीं हुआ था, उसका रंग कराया, स्कूल में पार्क बनवाया, स्कूल में पेड़ पौधे लगवाए, गांव के लिए जैसे एक टैंकर की खरीद की, गांव में स्ट्रीट लाइटें लगवाई, गांव में वाटर कूलर लगवाए, इसके अलावा सफाई कर्मचारी एक ही था, मैं एक दूसरा पंचायत की तरफ से सफाई कर्मचारी लगवाया, और गांव में डिस्पेंसरी, आयुष डिस्पेंसरी की बिल्डिंग लगभग 50 साल पुरानी बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग भी नई बनवाई। इसके अलावा जैसे कि आपने सरकार की बात की, क्या इस ग्राम पंचायत को सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त है? जो उम्मीदें आपने सरकार से की हैं क्या उस पर सरकार खरी उतरी है? नहीं, बिल्कुल, जो भी हमने मंत्री जी से जो भी अपने डिमांड रखी मंत्री जी से, 2 काम के लिए गए थे, एक जो फिरनी थी लगभग 40 साल से बनी नहीं थी तो मंत्री जी ने तुरंत 15 लाख की ग्रांट दी उसके लिए, और शमशान घाट की जो डिमांड थी ये भी पूरी की। एक आगे डिमांड है हमारी, गांव में एक बैंक्वेट हॉल बनाया जाए, तो ये भी मंत्री जी ने आश्वासन दे रखा भी इसको जल्द पूरा करेंगे, और 1-2 चौपाल है, जैसे जनरल चौपाल नहीं है वो, एक जोहड़ है हमारा गाँव का, इस गाँव के अंदर थोड़ी दिक्कत है, वहाँ पानी भरा रहता है, इसकी भी निकासी का या कोई इसको। आप कोशिश करें कि सरकार के साथ मिलकर आप जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं या फिर लोगों की शिकायतें हैं उनको दूर कर सके आप? बिल्कुल बिल्कुल जी, वैसे जैसे भी पंचायत की आमदनी जितनी है उससे, ये तो आप गांव में जाओगे गांव वाले ही बताएंगे भी सरपंच ने क्या, हमने जाना है गाँव वासियों को काफी संतुष्ट दिखे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये गांव वाले बता सकते हैं ना जी, क्यों मैं तो सरपंच हूँ मेरे को कुछ नहीं पता, गांव की पब्लिक ही बताएगी मैंने कुछ किया है। आपने एक अच्छी बात कही है कि गांववासी ये बता सकते हैं कि आखिर गांव में कितना काम हुआ है, हम गांव में घूमे भी हैं, एक अच्छी आपके लिए जो है सांकेतिक तौर पर चीज़ें देखने को मिली है कि लोग आपके काम को पसंद करें। शुक्रिया बब्बू जी, आपने हमसे बातचीत की है। तो काफ़ी जो निर्माण कार्य हैं वो रंदौली गाँव में हो रहे हैं, कुछ बाकी भी हैं जिनको अमली जामा पहनाना अभी बाकी भी है, जैसा कि बब्बू जी कह रहे कि आने वाले समय में कई प्लान उनके मन में है सरकार के सहयोग के साथ, वो भी काम वो जल्द ही करने वाले हैं। तो रंदौली गांव में सरपंच के साथ इतना ही, आगे फिर से एक गांव की ओर चलेंगे और दिखाएंगे आपको उस गांव की कहानी।